बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें कंडीशन के बिहाफ पर कुछ स्टेटमेंट्स पहले और कुछ स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होती है। और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। जी हाँ, इसमें आपने बिल्कुल सही गैस किया, यहाँ सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ तमाम इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब आइए इसको रन करके भी देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हुई और इसका रिजल्ट शो हो गया। इसी तरीके से स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हुई और इसका रिजल्ट शो हो गया। और इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टेटमेंट थ्री भी एग्जीक्यूट हो गई, विच मीन्स कि ये सिक्वेंशियल फ्लो में काम कर रहा है। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आज का हमारा तमाम फोकस सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर पर नहीं होगा, बल्कि सिक्वेंशियल सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर होगा। तो अगर हम अपने इस प्रोग्राम के फ्लो सिक्वेंशियल के बजाय सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ कंडीशन को यूज करना होगा। और कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन भी एक एक्सप्रेशन ही होती है, जो कि एक सिंगल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। और वो रिजल्ट भी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। और ट्रू को सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। और डियर फ्रेंड्स, कंडीशन किस तरह से काम करती है, आइए आपको एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पर हमने एक कंडीशन भी यूज की है। अब दोस्तों, ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं एज और स्टेटस के नाम से, और दोनों ही वेरिएबल्स की टाइप इंटीजर है। अब यहाँ पर हम एज को इनपुट करवाएंगे, और इनपुट करने के लिए हमने scanf के फंक्शन को यूज किया है, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हमने %d को यूज किया है। और जो भी इनपुट करदा वैल्यू है इसको स्टोर करवाया है इस एज के वेरिएबल में। अब दोस्तों, ये आप स्टेटमेंट देखिए 4, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टेटस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर करवाया है इस कंडीशन का। यानी यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि एज इज ग्रेटर देन 60, यानी जो आपने इनपुट की है एज, अगर वो 60 से बड़ी है, तो आप जानते हैं कि कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट आता है 1, और अगर फॉल्स होती है तो उसका रिजल्ट आता है 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 0। दोस्तों, बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि कंडीशन किस तरह काम कर रही है। तो दोस्तों, आइए अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम एज इनपुट करवाते हैं 80, और 80 क्योंकि बड़ा है 60 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो अब ये प्रिंट करेगा, यानी यहाँ पर हमने प्रिंट एफ लिखा है स्टेटस इज %d, यानी स्टेटस के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है अब आप उसको प्रिंट कर दें। तो दोस्तों, अब हम इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेटस के अंदर वैल्यू आ गई है 1, क्योंकि दोस्तों हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, 80 जो है वो 60 से बड़ा हो गया। अब अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, हम 60 से कोई छोटा नंबर एज के अंदर स्टोर करवाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 40, और आप जानते हैं 40 जो है वो 60 से छोटा है, तो अब हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। यानी ये चेक करेगा कि क्या 40 बड़ा है 60 से, तो 40 60 से बड़ा नहीं है, विच मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने का मकसद ये है कि आपके स्टेटस में अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 0। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात तो समझ आ गई कि कंडीशन जो है वो एवेलुएट होने पर एक सिंगल रिजल्ट फराहम करती है। सिंगल रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स की सूरत में होगा। ट्रू को रिप्रेजेंट करवाया जाता है 1 से, जबकि फॉल्स को रिप्रेजेंट करवाया जाता है 0 से। अब दोस्तों, यहाँ आपको कंडीशन तो समझ आ गई कि कंडीशन किस तरह काम करती है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में गौर करें तो कंडीशन लगाने के बावजूद भी ये प्रोग्राम सिक्वेंशियल वे में ही काम कर रहा है। यानी तमाम स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे प्रोग्राम का तमाम इनिसार कंडीशन पर होता है,
और वही कंडीशन बताती है कि प्रोग्राम में मौजूद कौन सी स्टेटमेंट्स रन होंगी, कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन यहाँ तो हमने कंडीशन लगाई है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से एक बात तो क्लियर हो गई कि एक प्रोग्राम जिसमें कंडीशन लगी हुई है तो जरूरी नहीं है कि कंडीशन की वजह से वो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरह काम करे, बल्कि इस कंडीशन के साथ हमें एक और कीवर्ड का भी इजाफा करना होगा और उसी कीवर्ड की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मबनी प्रोग्राम है। इसमें तमाम स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स हो जाने पर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कुछ नहीं, और वो दोस्तों कीवर्ड कहलाता है इफ का कीवर्ड। मिसाल के तौर पर दोस्तों इस प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि ये हेलो तो हमेशा प्रिंट हो, लेकिन ये फ्रेंड्स तब ही प्रिंट हो जब हमारी कंडीशन ट्रू हो। तो हम इस स्टेटमेंट से पहले यानी इस फ्रेंड्स से पहले इफ की कंडीशन लगा देंगे। सपोज ये हमने इफ लिखा यहाँ पर, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट को कंडीशन के ऊपर मुनहसिर करना है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चले, तो हम इस स्टेटमेंट से पहले ही इफ की कंडीशन लगाएंगे। ये हमने इफ लिखा, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने कंडीशन लगाई कि 4 इज ग्रेटर देन 3। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट रन होगी। और आप मुझे ये बताइए कि क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गैस किया, 4 बड़ा है 3 से, इसीलिए कंडीशन ट्रू होगी। तो आपका ये प्रोग्राम, आपकी ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स जो है ये एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेलो और फ्रेंड्स दोनों ही एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 के बजाय यानी अगर हम यहाँ पर 3 के बजाय 5 लिख देते हैं, तो अब दोस्तों आप ये बताइए कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, यानी क्या 4 बड़ा है 5 से? तो अब ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, और फॉल्स हो जाने की सूरत में आप जानते हैं कि इफ के बाद जो कंडीशन होती है, इफ के ब्लॉक में जो कंडीशन होती है, ये जो ब्लॉक है इफ के बाद की जो कंडीशन है वो कहलाती है इफ के ब्लॉक की कंडीशन। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाने की सूरत में एग्जीक्यूट नहीं होगी। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ है, फ्रेंड्स प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारी इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया है, और फॉल्स आने की सूरत में इफ के ब्लॉक में जो कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये सीक्वेंशियल के बजाय सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मबनी प्रोग्राम बन गया है। दोस्तों यहाँ तक हमने प्रोग्रामेटिकली तो देख लिया, अब आइए इफ को थियोरेटिकली भी देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इफ एक कीवर्ड है, जिस तरह सी लैंग्वेज में कई तरह के कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि किसी खास फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही इफ भी एक कीवर्ड है। और इस कीवर्ड की फंक्शनैलिटी ये है कि ये अपने सामने वाली कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, सही होती है, तो इफ के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है, कंडीशन सही नहीं होती, तो इफ के ब्लॉक में मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करता, बल्कि इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाता है और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोस्तों आइए, इसको लिखने का तरीका क्या है? दोस्तों इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि आप स्मॉल लेटर में सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे या पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिख देंगे, और कंडीशन के बाद कोई सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात जहन नशीन कर लें कि इफ स्टेटमेंट में हम आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाते, इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिनको कंडीशन के ट्रू होने पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप एक या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। याद रखिए, अगर आप एक कंडीशन को, आप अगर एक स्टेटमेंट्स को इफ के बाद लिखेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इफ के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। दोस्तों ये सिंटैक्स के बाद याद रखिए, कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको दो नंबर्स के दरमियान चेक करना है कि 4 बड़ा है 3 से, तो आप कंडीशन में इस तरह 4 इज ग्रेटर देन 3 नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना होगा इस तरह से, विच मीन्स के कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही यूज कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये इसका फ्लो चार्ट देखिए।
दोस्तों यहाँ पर ये इफ की कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कंट्रोल इफ से बाहर आ जाएगा और इफ के बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों अब आइए इफ के थ्रू एक प्रोग्राम देखते हैं। एक उस प्रोग्राम में हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे, अगर वो नंबर और आपकी इफ की कंडीशन ये चेक करेगी कि आया वो कोई पॉजिटिव नंबर है या फिर नॉन पॉजिटिव नंबर है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक नंबर इनपुट किया है और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है इफ में कि अगर वो नंबर बड़ा है जीरो से तो ये प्रिंट कर दे कि नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद हमने दोबारा एक और इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर इनपुट करदा नंबर जीरो से छोटा है या फिर जीरो के बराबर है तो प्रिंट कर दे कि ये नॉन पॉजिटिव नंबर है। दोस्तों हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव तो तब होगा जब जीरो से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने इक्वल्स टू भी जीरो किया है क्योंकि जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि द नंबर इज नॉन पॉजिटिव। अब दोस्तों अगर आपकी आपका नंबर जीरो से बड़ा होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर आपका नंबर जीरो से छोटा या फिर जीरो के बराबर होगा तो अब आपका कंपाइलर इस पूरी स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और डायरेक्ट जंप करेगा इस इफ के ऊपर। यहाँ पर चेक करेगा कि क्या नंबर छोटा है जीरो से या जीरो के इक्वल है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है 6 और आप जानते हैं 6 एक पॉजिटिव नंबर है, इसे प्रिंट करवा दिया द नंबर इज पॉजिटिव। अब हम नंबर दे देते हैं -3 और -3 एक नेगेटिव नंबर है यानी ये एक नॉन पॉजिटिव नंबर है, इसे प्रिंट करवा दिया नॉन पॉजिटिव। इस तरीके से अगर हम 0 इनपुट करवाते हैं तो तब भी ये आपको प्रिंट करके देगा कि नंबर इज नॉन पॉजिटिव। तो डिफरेंस इस तरह से इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करता है। दोस्तों यहाँ पर इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर का इख्तिताम हुआ, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ एज कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।